तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में बीते 24 घंटों में ओमिक्रोन के 23 मामले अब तक के सबसे ज्यादा ओमिक्रोन के मामले महाराष्ट्र में आज एक साथ डराने वाले आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में आज कोरोना के 1179 नए मामले सामने आए हैं। कल के मुकाबले आज के मामलों में जरूर कमी है, लेकिन ओमिक्रोन के मामले आज महाराष्ट्र में डराने वाले हैं। 23 मरीज ओमिक्रोन के 23 मरीजों की आज महाराष्ट्र में पुष्टि हुई है। अगर बात की जाए तो इसमें से 5 मुंबई के हैं, 2 उस्मानाबाद के, 13 पुणे के हैं। 13 मामले आज पुणे से दर्ज किए गए हैं, 5 मुंबई से, उस्मानाबाद से 2, थाने नागपुर और मीरा भाईंदर में 1-1 मामले। इसी के साथ अब महाराष्ट्र में ओमिक्रोन मरीजों की संख्या 88 पहुंच गई है, जो कि देश भर में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार ने आज लॉकडाउन को लेकर, पाबंदियों को लेकर, सख्ती को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सतर्क हो गए हैं। जिस तरीके से मुंबई में आज 602 मामले ओमिक्रोन के दर्ज किए गए, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रोन के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। कल महाराष्ट्र में एक भी ओमिक्रोन का मामला दर्ज नहीं किया गया था, और आज की अगर बात की जाए तो 23 मामले। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ओमिक्रोन के बढ़ती संख्या को देखते हुए अब केंद्र के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अब सतर्क हो चुके हैं। आज रात 10 बजे टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद इस टास्क फोर्स की बैठक बुलाने का ऐलान अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात भर कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना की स्थिति लगातार हाथ से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जागे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब आज रात 10 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है, टास्क फोर्स की बैठक बुलाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात टास्क फोर्स के साथ एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पाबंदियों को लेकर, ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर, कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर टास्क फोर्स के साथ चर्चा की जाएगी। साथ ही केंद्र ने जो सूचना दी है, केंद्र ने जो सलाह दी है, केंद्र ने जो लॉकडाउन का फॉर्मूला बताया है, उन फॉर्मूलों पर भी चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी अलर्ट हो चुके हैं। टास्क फोर्स की बैठक में ओमिक्रोन और पाबंदियों को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। देश के कई राज्यों ने केंद्र की सलाह को मानते हुए नाइट लॉकडाउन यानी कि नाइट कर्फ्यू को लगा दिया है। अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ये सलाह माने, और हो सकता है कि आज या कल में ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से इमरजेंसी बैठक का ऐलान किया गया है, आमतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इतनी रात को कभी बैठक बुलाते ही नहीं। उनकी बैठक बुलाने का टाइमिंग 8 बजे का होता है, संबोधन करने का भी टाइमिंग 8 बजे का होता है। आमतौर पर जब वो टास्क फोर्स के साथ बैठक लेते हैं तो दोपहर के 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे उनको बुलाते हैं बैठक के लिए, लेकिन आज जो टाइमिंग बाद जो महाराष्ट्र में आज ओमिक्रोन के 23 मामले आने के बाद 88 मरीज हो गए हैं ओमिक्रोन के, उसने शायद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भी नींदें उड़ाकर रख दी है। आज रात 10 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टास्क फोर्स अलर्ट मोड पर आते हुए, एक्शन में आते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तुरंत
सतर्कता दिखाई, सहजता दिखाई और तुरंत ही बैठक बुलाई है। आज रात 10 बजे यानी कि अभी से एक घंटे बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक होगी और जो खबर आ रही है तो हो सकता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल जनता से संबोधन भी कर सकते हैं। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनता से संबोधन भी कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ पाबंदियों पर जनता से बातचीत की जाए। जो टास्क फोर्स में आज बैठक में बातचीत की जाएगी उस पर हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऐलान करें। तो टास्क फोर्स की इमरजेंसी बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में आज रात 10 बजे।